फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता ही है और मैंने बताया भी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद में पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट कैसे रहते, इवेंट्स, सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, क्या क्या हुआ था उसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। ओके, बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या है, सैंपल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। नंबर ऑफ सैंपल। नेक्स्ट क्या है, इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट्स और बाद में प्रोबेबिलिटी। ये हुआ है अपना, आपने देखा होगा वो पहले वाला वीडियो, उसमें है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे वन कॉइन इज टॉस, दैट इज द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, सैंपल मिलता है। ओके, सैंपल को काउंट किया तो क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल। बाद में एक इवेंट्स रहता है, जो भी इवेंट्स गिवन रहेगा उसको क्या करना है, उसको नंबर ऑफ इवेंट्स काउंट करना है एलिमेंट्स को, और बाद में क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ये सीक्वेंस वाइज आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन में लिखना है। तो उसमें से आज देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो है 5.1, वो 5.1 किससे रिलेटेड है, ये पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड है। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या है तो देखेंगे। सो देखो, पॉसिबिलिटीज जो प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116 पे देखो कि ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें आंसर क्या लिखना है। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज रह सकती है, कितनी पॉसिबिलिटीज रह सकती है। ओके, तो वेरी सिंपल है, वो आपको नंबरिंग न्यूमेरिकल्स में लिखना है इसका आंसर। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ द देम इन हर समर वैकेशन। अजंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा, आंबोली, रायगढ़, मैथेरान और आनंदवन। तो ये वनिता को कितने साइट्स पता है महाराष्ट्र में, जो कि वो कहाँ जाने वाली है, विजिट देने वाली है, कितनी साइट है, क्या पॉसिबिलिटीज है वो जाने की। अजंता भी जा सकती है, महाबळेश्वर भी जा सकती है, लोनार भी जा सकती है, ताड़ोबा भी जा सकती है, आमोली भी जा सकती है, रायगढ़ भी जा सकती है, ओके, मैथेरान भी जा सकती है और आनंदवन भी जा सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज है एट। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो उसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ वनिता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र, सो सी हैज एट पॉसिबिलिटीज। ओके, जस्ट इतना आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। यू नो डे ऑफ वीक 7, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज 7। वो संडे भी सिलेक्ट कर सकती, मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 7। ओके, देन सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर 52 कार्ड्स का पैक है तो आपको सिलेक्ट करने की क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है, 52। ओके, ए भी सिलेक्ट कर सकता है, ओ भी सिलेक्ट कर सकता है, तो ऐसे कितने कार्ड सिलेक्ट कर सकता है, 52 कार्ड सिलेक्ट कर सकता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटीज, जस्ट आपको क्या लिखना है, 52। ओके, देयर आर 52 कार्ड्स एंड देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग द वन कार्ड। लास्ट क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन इन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अगर ऐसे कार्ड्स है, यहाँ पे 10 लिखे है, 10 to कहाँ तक, 11, बाद में 12, ऐसे कहाँ तक, 20 तक ऐसे कार्ड्स है। तो इतने कार्ड्स है तो क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे हाथ में आने की, मैं निकालने की, क्या पॉसिबिलिटीज है। मैं ए भी निकाल सकता हूँ। तो कितने कार्ड निकाल सकता हूँ मैं, तो आपको लगेगा कि ये 10 है और ये 20 है, तब
बच्चे क्या करते हैं 10 आंसर लिखते हैं, लेकिन यहाँ से देखो 10 से स्टार्ट होता है एक कार्ड, देखो 10 नंबर का कार्ड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक 10, 5, 5, 10, 11, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है 11। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। तो कैसे लिखना है, देर आर 12 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 रिटन ऑन द कार्ड्स, और पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, देर आर 11 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड रैंडमली। ओके, तो आपको 5.1 में इतना ही लिखना है। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जो मैंने कल की वीडियो में बताया है कि एक्सपेरिमेंट गिवन है उसमें से क्या लिखना है, आपको सैंपल लिखना है, बाद में नंबर ऑफ सैंपल लिखना है। एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं कि सैंपल लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल लिखना है, इवेंट्स और नंबर ऑफ इवेंट्स लिखना है, एक ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। ओके, तो 5.2 में, 5.2 में देखो सिर्फ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है। अभी 5.2 देखो, लुक दिस, टेक्स्ट पेज 170, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस यस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ यस। एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सैंपल लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल लिखना है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी इज गिवन, क्या एक्सपेरिमेंट है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली। एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, वन कॉइन एंड वन डाई, अगर वन कॉइन, वन कॉइन और वन डाई, वन डाई, वन कॉइन, अगर एक कॉइन है और एक डाई है। ओके, कॉइन में क्या क्या आता है, क्या आता है वह कॉइन में, हेड और टेल। ओके, तो इसके सैंपल क्या रहेंगे, सैंपल यस इज इक्वल टू क्या रहेंगे सैंपल, देखो एक साथ में अगर पहले क्या किया मैंने, एच, एक कॉइन में क्या आता है, एच आता है, तो एक कॉइन में क्या आता है, वन, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक कॉइन में क्या है, वन, और एक कॉइन में क्या होता है, एच। तो एक कॉइन में यच, तो एक कॉइन में क्या है, वन, ऐसा भी आ सकता है। एक कॉइन में यच, तो एक कॉइन में टू। ओके, एक कॉइन में यच, तो एक कॉइन में थ्री, एक कॉइन में यच, तो एक कॉइन में फोर, एक कॉइन में यच, तो एक कॉइन में फाइव, एक कॉइन में यच तो और एक कॉइन में सिक्स, और बाद में ऐसा भी हो सकता है एक कॉइन में टी टेल, तो इसमें वन टेल, टू टेल, थ्री टेल, फोर टेल, फाइव टेल, सिक्स। तो इतने आपको क्या मिल सकते हैं, सैंपल मिल सकते हैं। तो आपको सैंपल लिखना और उसके क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ सैंपल। तो लिखना कैसे, इस टाइप से ऐसे ऐसे पूरे लिखना है। ओके, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स। ओके, बाद में टी के साथ, इतना सिंपल है, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, और सेवन रह सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेवन नहीं। ओके, दैट इज सैंपल। नाउ काउंट नंबर ऑफ सैंपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल। बस इतना ही आपको क्या करना है, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लिखना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, टू डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। आपको 2, 3, 5 ए, 2, 3, 5 ये डिजिट है, तो इसको क्या करना है आपको, टू डिजिट नंबर तैयार करना है, टू डिजिट नंबर। तो क्या होगा, 23 हो गए सैंपल, सैंपल में लिखना है 23, 2, 5 के साथ 25, ऐसा भी नंबर बन सकता है, 32 ऐसा भी बन सकता है, 35 ऐसा भी बन सकता है, 52, 53 इतने नंबर बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ सैंपल 6, गॉट इट, यस। तो इतना इजी है कि सैंपल और नंबर ऑफ सैंपल लिखना है, सैंपल पॉइंट्स को भी नंबर ऑफ सैंपल बोलते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर, समझ में आ गई है कैसे करना है, तो यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द एरोज इज रोटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट वन विच कलर इट मे स्टॉप। द एरोज इज रोटेड एंड स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे बी स्टॉप। तो एक कलर के, एक
ये सर्कल में जो कलर्स है तो उसमें एक जो एरोज है तो वो कहाँ पे स्टॉप हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप हो सकता है वो एरोज। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कल है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके 11 और 12 ये है। अगर एक मैंने बोला कि ये पॉइंट मैंने ऐसे ऐसे किया तो कहाँ पे स्टॉप हो सकता है, ये 1 पे भी स्टॉप हो सकता है, 2 पे भी। तो सैंपल क्या मिलेंगे आपको, कहाँ पे स्टॉप हो सकता है, 1 पे भी स्टॉप हो सकता है, 2 पे भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ओके नंबर ऑफ सैंपल 12। मतलब चांसेस क्या है, ये पॉइंट ऐसे देखो मैंने ऐसे 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 हिलाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आए 6 पे, ऐसे ऐसे किया तो 5 पे आ गया, ऐसे ऐसे किया तो 4 पे आए, कहाँ पे आ सकता है 1 पे भी आ सकता है चांसेस, 2 पे भी आ सकता है, 2 पे आता ही नहीं ऐसा है क्या, नहीं है ओके। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है जो सैंपल है और नंबर सैंपल आपको लिखना है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग लिया है तो यहाँ पे क्या है कलर है, यहाँ पे क्या है कलर है, जैसे यहाँ पे क्या है रेड है ऐसे कलर है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सैंपल क्या रहेंगे इसके, ये जो एरो है ये एरो कौन से कलर पे जा सकता है, ये रेड पे भी जा सकता है रेड, ऑरेंज पे भी जा सकता है ऑरेंज, नेक्स्ट येलो पे भी जा सकता है येलो, नेक्स्ट पर्पल पे भी जा सकता है पर्पल, नेक्स्ट ग्रीन पे भी जा सकता है ग्रीन, और ब्लू पे भी जा सकता है ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, नंबर ऑफ सैंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गया 6। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है 5.2 सॉल्व करना है ओके। एनी डाउट, नो, वेरी गुड ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन द मंथ ऑफ द मार्च 19 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव। तो क्या है इसमें, ऐसे कौन से डेज है कि जिसकी डेट है ना डेट 5 के मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल क्या है, 5 के मल्टीपल क्या है 5, 10, 15, 25, 30, 35 ये क्या है 5 के मल्टीपल है। लेकिन अपने कैलेंडर में 30 या 31 डेज का क्या रहता है, मंथ रहता है, तो 5 डेट आती है, 10 डेट आती है, 15 आती है, 25 आती है, 30 भी आती है, 35 आती है क्या, नहीं आती है। तो ये जो डेट है ये कौन से दिन है, ये आपको क्या करना है सैंपल में लिखना है। तो कौन से दिन आता है, देखो देखो कैलेंडर भी यहाँ पे गिवन है, देखो 5 तारीख कब की आती है ट्यूजडे की, बाद में 10 कब आते हैं सैटरडे को, देखो आपके कैलेंडर में देखो, बाद में 15 कब आती है फ्राइडे, तो फुल फॉर्म में आपको लिखना है ट्यूजडे सैटरडे फ्राइडे ओके। बाद में क्या आता है, फ्राइडे के बाद क्या आता है वेनेसडे, फ्राइडे के बाद कौन सी डेट है वेनेसडे, नेक्स्ट क्या है वेनेसडे के बाद मंडे, और क्या है सैटरडे, और एक सैटरडे ओके। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए 6, नंबर ऑफ सैंपल 6। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि राइट द सैंपल एंड नंबर ऑफ सैंपल। तो जस्ट आपको क्या लिखना है, सैंपल लिखना है, और क्या लिखना है आपको नंबर ऑफ सैंपल लिखना है। सैंपल को ही आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नंबर ऑफ सैंपल 6। और ये सैंपल कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से सैंपल, सैंपल से नंबर ऑफ सैंपल। तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता ही है क्या एक्सपेरिमेंट करना है तो ओके। तो इसीलिए इतना इजी है टॉपिक है कि आप इस टॉपिक के आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा तो आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझा के लेना है और उसके सैंपल बस इतना आप करना है ओके। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर फोर, रीड करो। रीड करो क्वेश्चन नंबर फोर, देखो बहुत इजी है।
फॉर्मर रोड सेफ्टी, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, फॉर्मर रोड सेफ्टी सेफ्टी कमिटी ऑफ टू फॉर्म टू बॉयज एंड टू गर्ल्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस. इसको जनरल क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, बाद में आप एक्टिविटी फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके तो जनरल क्वेश्चन कैसे रहता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू बॉयज है और टू गर्ल्स है, टू गर्ल्स है, टू बॉयज है और टू गर्ल्स है. अपने क्लास में देखो, ये टू बॉयज लिया है और ये टू गर्ल्स लिया है. इसमें क्या करना है कि आपको ऐसी कमेटी बनाना है कि उसमें दो दो की कमेटी बनाना है. तो दो दो की मतलब, ये दो बॉयज है तो इसकी भी एक कमेटी बन सकती है, ये दो गर्ल्स है तो इसकी भी कमेटी बन सकती है, दो दो की बनाना है. लेकिन ऐसी भी कमेटी बन सकती है ना, एक बॉयज और एक गर्ल्स ऐसी भी बन सकती है, ए बॉयज और दूसरी गर्ल्स ऐसी भी बन सकती है, दूसरा बॉयज और ए गर्ल्स, दूसरा बॉयज और दूसरी गर्ल्स ऐसी भी कमेटी बन सकती है ना. तो कितनी कमेटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है. ओके तो ये आपको क्या करना है, सैंपल में लिखना है. तो लर्न करके जाना नहीं है, ऑन द स्पॉट. और एक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक कम भी होना नहीं चाहिए और एक डबल भी नहीं होना चाहिए. ओके तो देखो उसके टेक्निक्स क्या है. अगर टू बॉयज़ है तो उसके बॉयज़ के लिए B1 और B2 लेंगे, B1 और B2. गर्ल्स के लिए G1 और G2, दो गर्ल्स है, तीन गर्ल्स है तो G3 लेंगे. ऐसा भी क्वेश्चन आता है. अगर मेन है तो M1 M2, वुमेन है W1 W2, ऐसे भी ले सकते हैं. ये दो बॉयज़ हैं और ये दो गर्ल्स हैं, इसकी कमेटी बनाना है. तो देखो कमेटी कैसे बनेंगी. पहले बॉयज़ बॉयज़ की एक कमेटी बनेंगी, तो उसमें क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, ए बॉयज और ए बॉयज, B1 एंड B2, एक कमेटी हो गई, ऐसी भी बन सकती है. ओनली गर्ल्स की कमेटी बन सकती है, एक गर्ल्स और एक दूसरी गर्ल्स, ए भी ऐसी भी कमेटी बन सकती है. ओके आप क्या करेंगे, ए बॉयज ए गर्ल्स के साथ, B1 G1, ए बॉयज ए गर्ल्स के साथ, ए बॉयज दूसरे गर्ल्स के साथ, B1 ए वन नंबर का बॉयज दूसरे गर्ल्स के साथ, B1 G2. ओके बाद में जो सेकंड नंबर का बॉयज है वो ए बॉय B2 नंबर का जो बॉयज है, सेकंड नंबर का बॉयज ए गर्ल्स के साथ, B2 G1. ओके बाद में यही लड़का दूसरे गर्ल्स के साथ कुछ दिन के बाद B2 G2. और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ बन सकता है क्या, देखो बरा देखो, और बन सकता है क्या, देखो आप इतनी कोशिश करो कि और एक कमेटी बन सकती है कि यहाँ पे नहीं है और डबल भी नहीं होगी. ऑब्जर्व करो, बन सकती है, नहीं बन सकती है. ओके क्योंकि बॉयज़ की B1 B2 बन सकती है, B2 B1 नहीं, ये अगर यहाँ पे खड़ा रहा है या यहाँ पे तुम कमेटी तो एक ही है, B2 B1 नहीं बन सकती. ओके वैसे लिखना भी नहीं, एक बॉयज़ की बनती है, एक गर्ल्स की एक बनती है, एक बॉयज़ ए G1 के साथ, ए बॉयज़ दूसरे गर्ल्स के साथ, दूसरा बॉयज़ पहले गर्ल्स के साथ, दूसरा बॉयज़ दूसरे गर्ल्स के साथ. समझ में आ गया, तब काउंट करो. नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1, ए कमेटी 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल कितना है 6. तो ये हो गया जनरल क्वेश्चन. यहाँ पे वुमेन भी रह सकता है, मेन भी रह सकता है. अगर यहाँ पे अगर मेन और वुमेन है, M1 M2 W1 W2 W3 भी रह सकता है. ओके तो ये आदमी ये औरत के साथ, ये आदमी दूसरी औरत के साथ, ये आदमी तीसरी औरत के साथ, ए आदमी ए औरत के साथ, ए आदमी ए औरत के साथ, ए आदमी ए औरत के साथ. ओके ए आदमी के साथ, ए औरत के साथ, ए औरत के साथ, और ए औरत के साथ. देखो एक कमेटी ए औरत की 2 3 4, कितनी कमेटी हो गई, 4. ए इसके साथ 5 6 7 8 9 10, कितने कमेटीज हो गए, 3. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है. तो इसके कितने हो गए, 6 हो गए. ये हो गया जनरल क्वेश्चन. लेकिन आपको एक्टिविटी फॉर्म में पूछा है तो वही बॉक्स में वही आपको लिखना है. देखो कमिटी ऑफ टू बॉयज की कमिटी क्या हो सकती है, ए लिखना है. बाद में क्या है, कमिटी ऑफ टू गर्ल्स,
टू गर्ल्स की कमिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है कमिटी ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल्स, वन बॉय एंड वन गर्ल्स, वन बॉय वन गर्ल्स, वन बॉय वन गर्ल्स, ये तो ये आएंगे थर्ड बॉक्स में। और सैंपल स्पेस में यस में क्या आएंगे, ये पूरे आएंगे। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एक्टिविटीज सॉल्व करना है। ओके, जनरल क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली यू कैन राइट डायरेक्टली, अगर कोई एक्टिविटी फॉर्म में पूछा है तो उसी टाइप से आपको क्या करना है, फिलअप करना है। समझ में आ गया 5.2। तो जैसे आपको 5.2 में लिखना था उसी टाइप से आपको क्या करना है 5.3 में लिखना है। उसमें सिर्फ क्या करना है कि इवेंट्स गिवन रहेगा तो इवेंट्स के सैंपल आपको एक्स्ट्रा लिखना है, बाकी जैसे कि तैसे वैसे ही लिखना है। ओके, तो आपको क्या करना है 5.1 और 5.2 ये दोनों भी प्रैक्टिस से आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, और कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे नंबर पे कॉल करके पूछना है। ओके, और ये भी अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो करके भी रख सकते हैं, इसकी बहुत हेल्प हो सकती है। ये इसकी जैसे ये अगर 3, 4, 5 और 6 ये नंबर है, उसके अगर 2 डिजिट नंबर बनाना है 34, 35, 36 लिखना है यहाँ पे। ओके, सैंपल में, सैंपल में 34, 35, 36 बाद में 43, 45, 46 नेक्स्ट 53, 54, 56 नेक्स्ट 63, 64, 65 ओके। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये भी आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है एक कॉइन और टॉस का और एक कैट का, जैसे पत्ते खेलते हैं ना आपके, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, बाकी इस एक्सपेरिमेंट है तो इसी टाइप की रहेंगी। तो इसमें से आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल लिखना है। अगर आपको सैंपल स्पेस और इवेंट समझ में आ गया तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन करो, 5.3 और 5.4 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, 5.4 तो अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नोट डाउन दिस, और कोई प्रॉब्लम आया तो आपको पूछना है। ओके, सो थैंक यू।